अमेरिका में जो बने दर्जन भर ड्रोन विमान हैं उनको खरीद ले, जिस डील के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है और भारत इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा सब भारत पर निर्भर करता है। भारत किसके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी यात्रा 22 जून को होने वाली है और उम्मीद करते हैं, वो यूएस की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस डील को लेकर भारत कोई अहम कदम उठाए और इस डील को फाइनल करे। मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच इस डील में कौन सा पेज फंसा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? देखिए, ये सारी डील्स जो होती हैं, ये इसमें एक तो प्राइसिंग में बहुत टाइम लगता है, जी बहुत समय लगता है प्राइसिंग में। और फिर दूसरी बात ये होता है कि ये टेलर मेड होती हैं, जिस तरह की हमको रिक्वायरमेंट है जहाज में या ड्रोन हमें जिस टाइप के चाहिए होते हैं, जिस एरिया में हमको यूज करने हैं, पहाड़ी एरिया है या डिजर्ट का एरिया है या प्लेन्स हैं, तो इस तरह से अलग अलग होता है। फिर उसके अलावा एवियोनिक्स वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, तो उसके हिसाब से ये बनते हैं, फिर उसका प्राइसिंग होती है और उसमें डील में इन तरह के। फिर ये होता है कि ये आप इस्तेमाल करेंगे, इनका एंड यूज क्या होगा, क्या आप किसी को और तो नहीं देंगे, तो इस तरह की बड़ी शर्तें होती हैं। ये भी होता है कि जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं होगी, स्पेयर पार्ट्स की बात होती है, स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो एक काफी डिटेल में इसके ऊपर कई लेवल पे ये बातचीत होती है और ये बनते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका ये सब प्लेन्स या इस किस्म के अपने सिस्टम्स देता है, तो उसको देखता है ये है कि ये कहाँ पे यूज होंगे, किस कंट्री के खिलाफ यूज होंगे, और वो डिफेंस के लिए मिलते हैं कि आप अपने डिफेंस के लिए, भारत के लिए हो, तो डिफेंस किसके, चाइना के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है या किसके खिलाफ है, इस तरह से ये भी देखा जाता है। और ये भी देखते हैं कि हर डील के साथ कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, खासतौर से अमेरिकन की, कि वो आपको ये सामान दे रहे हैं, इतना हाई टेक सेक्टर में आप डील कर रहे हैं, तो उसको उसके बदले में आप पॉलिटिकल कंसेशंस या उनको किस किस्म के कंसेशंस आप देने पे तैयार हैं। छिपी हुई चीजें होती हैं, इसमें भी वो कोशिश करते हैं कि इस समय भारत की एक बहुत यूनिक स्थिति है। एक दुनिया जो है वो दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ तो आप समझ लीजिए अमेरिका पश्चिमी देश है, तो दूसरी तरफ जो है वो ब्रिक्स नेशन, आप समझ लीजिए ये 5 नेशन है जिसमें लगभग 19 देश और ज्वाइन करने वाले हैं, फिर आसियान के भी देशों ने कहा है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और कल फ्रांस ने भी इच्छा जाहिर की है वो भी ज्वाइन करना चाहता है। अब ऐसे स्थिति में इसमें एक बड़ा फोर्स के रूप में ये इमर्ज हो रहा है, और अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी ये है कि उसकी जो हेजिमनी है, उसका जो पूरी दुनिया के ऊपर एक कंट्रोल बना हुआ है वो बना रहे, और फिर ये भी है कि साथ में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और इंटरनेशनल ऑर्डर जो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी यूनाइटेड नेशन लेड एजेंसीज, और जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी जो पोजिशन है वो बनी रहे, चैलेंज ना हो, डॉलर की भी सुप्रीमेसी बनी रहे, और यह है कि अमेरिका का अपना इन्फ्लुएंस चाहता है कि बना रहे, तो ये सब चीज़ें हैं। भारत का अपना एक पॉलिसी है, भारत किसी के दूसरे देश के हित में काम नहीं करता, वो अपने स्वयं हित में काम करता है। फिर दूसरी बात ये कि भारत जो है वो चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, अमेरिका की कोशिश ये है कि स्टेटस को बना रहे, यानी अमेरिका अकेला सुपर पावर बना रहे, इस तरह के डिफरेंसेस हैं जब बातचीत होती है। इंडिया चाहता है कि सारे मसले जितने भी हैं बातचीत के माध्यम से हल हो, ना कि जंग। भारत प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, यानी युद्ध से अब कुछ नहीं हो सकता, और हम देख भी रहे हैं कि जो युद्ध शुरू करता है खत्म ही नहीं कर पाता, यूक्रेन वार हो या यमन की वार हो या दूसरी जहाँ पे भी होती है, वहां पे एक बार इतने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप शुरू तो कर सकते हैं, खत्म करना आपके हाथ में नहीं रहता। अफगान वार 20 साल तक चली,
10 साल से भी ज्यादा अमेरिकन ट्रूप से इराक में रहे, $6 ट्रिलियन इनका खर्च हुआ और नतीजा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका चाहता था कि वहां पे एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनी रहे, वो नहीं बना। गवर्नमेंट बनाई भी तो वो उसने इंटरेस्ट इनके सर्व नहीं कर पाया। तालिबान को दोबारा से सत्ता मिला है सोच के कि वो करेंगे उनके इंटरेस्ट को पूरा, वो भी उन्होंने भी आगे बात नहीं बढ़ रही वहां पे भी। तो ऐसे हालात में जो होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं उसमें डील होना। और इसी उसमें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस समय वहां पे विजिट होगी, अगले हफ्ते वो वहां जाएंगे और उसकी बड़ी तैयारी भी वहां चल रही है। बाइडेन साहब ने पहली दफे भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपना एक प्राइवेट और बहुत ही इंटीमेट लंच या डिनर करेंगे और फिर उसके बाद एक ऑफिशियल डिनर होगा और जिसमें बहुत लोग आएंगे इस तरह से। और एक उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह सब मिलेगा क्योंकि स्टेट विजिट होगी। ये इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इस समय उनकी। तो कोशिश अमेरिका की ये है कि भारत जो है वो ब्रिक्स में पूरी तरीके से न जाने पाए, या दूसरी तरफ ये कि भारत जो है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई ग्लोबल साउथ का, यानी जो कम अर्धविकसित देश हैं या कम डेवलप देश हैं, उनका कोई एक ग्रोह न बना ले, दूसरा एक ब्लॉग न बना ले। मैं समझता हूँ, मैं तो काफी समय से इस बात को कहता हूँ कि भारत को चाहिए कि वो एक डेवलपिंग नेशन का अलग से एक गुट बनाए, ताकि वो उनकी नॉन अलाइन जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अब जो होना चाहिए मेरा मानना है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उनको ये देखना कि उनको इन देशों को किस तरीके से आने वाले समय में डेवलप करें। ठीक है, चाइना की जो नीति है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उससे तो डेट ट्रैप में बहुत से देश फंस गए हैं और बजाय डेवलप होने के, चाइना तो जरूर डेवलप हो रहा है, जिन देशों में उन्होंने ऋण दिया वो तो अंडर डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ भारत हमेशा से उनके कॉज को भी चैंपियन करता रहा, यूनाइटेड नेशंस हो या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स हो। भारत को ये भी चिंता है कि यूक्रेन वार के चलते हुए इन देशों में फूड फ्यूल और जो एनर्जी है इसकी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, दाम बढ़ने से देश बहुत परेशान है। तो बार बार भारत उनके बारे में बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में भी, चाहे वो G7 हो या अब वो प्रधानमंत्री जब हमारे मोदी जी जब मिलेंगे तो मैं समझता हूँ ये मसला भी एक उनके सामने होगा, वो जरूर इस मसले को बाइडेन से भी डिस्कस करेंगे। और तो ऐसे में ये विजिट मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, ये देखिए हमारा भारत का अमेरिका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, हमारा उनके साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो $157 बिलियन का है। और दूसरी बात ये कि भारत को एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन भी है वहाँ के इन्वेस्टमेंट का। अमेरिका से की रिश्ते चाइना से बिगड़ रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो है अमेरिका की वहाँ छोड़ के अब भारत की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि आईफोन जो है वो यहाँ भारत में बनने लगा, पहले चाइना में ही पूरा बनता था, अब यहाँ पर भी बनाएंगे, एक बड़ा मार्केट भी है भारत। भारत की इकनॉमी लगातार बढ़ रही है 6-8% के बीच में, कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है। फिर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है, लेबर है जो बहुत सस्ता है, कंप्यूटर से भी है, टेक्निकल क्लास है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ये बहुत ही अंग्रेजी बोलता है। तो फिर हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ दोनों जगह एक ही तरह की है, अंग्रेजी भाषा दोनों जगह बोली और समझी जाती है। तो इस तरह से हम लोग का बड़ा कनेक्ट है अमेरिका के साथ। 2 लाख इंडियन स्टूडेंट आप समझिए वहाँ पे पढ़ते हैं इस समय। भारत ने भी लगभग $13 ट्रिलियन वहाँ पे $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे तकरीबन 70,000 जॉब जो अमेरिकन को मिलती है। वैसे तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना चाहेंगे आने वाले समय में भी, और भारत के लिए अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट है और अमेरिका के लिए उतना ही भारत भी इम्पोर्टेंट है।
जी सर, अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो अभी ये पीएम मोदी की यात्रा है अमेरिका की, इसके दौरान बड़ी रक्षा समझौते हो सकते हैं, जिसमें 18 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की बात, जो कि डील को लेकर बात हो रही है, ये भी हो सकता है, और जिसकी कीमत बताई जा रही है कि $1.8 अरब है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच किस तरह की रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इस दौरे के दौरान हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ये ट्रेड डील्स तो चलती रहती है, हो सकता है कि साइन हो जाए, अगर सारे मसले हल हो जाएंगे दोनों के सेटिस्फेक्शन में तो डील हो भी जाएगी, अगर नहीं हुई तो बाद में साइन हो जाएगी लेटर स्टेज पे, लोअर लेवल पे, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि ये डील बहुत साइन हो जाए, ठीक है, काफी करीब पहुंच चुके हैं दोनों देश इसको कंक्लूड करने के लिए। और दूसरी तरफ भारत ये भी चाहता है कि वहाँ से निवेश करें, भारत के अंदर आए, उस पर भी अमेरिकन की कुछ शर्त है कि भारत में जो रेड टेपिज्म है वो खत्म होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से और सुविधाएं हासिल होनी चाहिए। हालांकि भारत ने काफ़ी चेंजेस किए हैं बैंकिंग को लेके, लेबर लॉ से जुड़े हुए या इस तरह की और जो उनकी डिमांड थी, लेकिन वो जिस तरह के डिमांड चाहते हैं वो पूरा करना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारत का अपने एक लेबर मार्केट है, भारत की अपनी एक नीतियां हैं जो चल रही हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म करना भारत के लिए मुश्किल नजर आता है बहुत से मसलों को लेके। लेकिन यह है कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना काफी डेवलप कर लिया है, रेल रोड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, और दूसरी बात यह कि हमारे पास पोर्ट्स भी हैं जो काफी स्टेट ऑफ आर्ट है, बहुत हाईली डेवलप है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सकती हैं आसपास में उनके, और वहां से सामान भी एक्सपोर्ट हो सकता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पोटेंशियल दोनों देशों के बीच में बहुत है, ये ट्रेड बढ़ के $500 बिलियन का पहुंचाया जा सकता है, मैं सोचता हूँ कि न केवल खरीदना और बेचना रहे बल्कि ये कि ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भी भारत चाहता है, भारत की नीति सेल्फ रिलायंस की है, आत्मनिर्भरता की है, तो वो चाहेगा कि बहुत सी चीज़ें भारत में भी बने और भारत की भागीदारी भी हो, चीज़ें दोनों मिलकर डेवलप करें, तीसरे मुल्कों में चौथे मुल्कों में उनको बेचा जाए, तो बहुत चीज़ें हैं, इतनी बड़ी संख्या में मिलियंस ऑफ इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के जो डेवलपमेंट है उसमें उनका बड़ा योगदान है, खास तौर से IT इंडस्ट्री में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, भारतीय कंपनियाँ भी काम कर रही हैं यहाँ पे भी, तो एक समन्वय बन सकता है, एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है जिसमें आने वाले समय में अमेरिका के पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है ड्यूअल यूज की है जिनकी भारत को जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो, रोबोटिक्स हो, इस तरह की जिनका इस्तेमाल ड्यूअल होता है बहुत से सेक्टर्स में, डिफेंस और सिविल दोनों सेक्टर संभव है, सुपर कंप्यूटर हैं भारत की जरूरत रहती है लिए भी है, तो इस तरह से एक अगर ठीक तरीके से चले प्रेशर्स ना आए तो ये ट्रेड बढ़ के $500 बिलियन तक पहुँचे। जी सर, आपने अभी पिछले सवाल के दौरान में ये बात कही थी कि जिस तरह से भारत को चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है या डेवलपिंग नेशंस है उनके साथ मिलकर कोई एक अलग गुट बनाए। अगर हम चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग ने पिछले एक दशक में GSI जी और GCI और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और BRI इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं और इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील भी करते हैं कि इन सब में शामिल हो। और अभी उन्होंने हाल ही में चाइना चाहता है कि नेपाल जो उनका ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसका हिस्सा बने। अगर हम बात करें जो एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना यह है कि अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए जो एशियाई नेटो जिसको कहा जाने वाला जो क्वाड था उसका गठन किया और उसके जवाब में जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और क्वाड से घबराए चाइना ने अब ये GSI शुरू किया है जो जिसको एशियन चाइना का नेटो भी कहा जा रहा है,
तो चाइना चाहता है इसमें नेपाल भी शामिल हो जाए, हालांकि नेपाल की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और